हेलो फ्रेंड, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैम छो। तो डे डिज़ाइन ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में सीखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास कोई बेकार सी टी शर्ट्स या बेकार कोई कपड़ा हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको फेंकने की बजाय हम उसको एक अच्छी सी कोई ड्रेस बना सकते हैं या एक अच्छा सा झोला शॉपिंग, जिसे हम शॉपिंग पर जाके ले जा सकते हैं और हम फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, अगर हम उससे कुछ परचेस करते हैं तो वो उसका हमसे चार्ज लेता है, लेकिन जब हम घर से कुछ लेके जाएंगे तो उसका हमसे वो कोई चार्ज नहीं करेगा और आप घर में खुद ही अपने डिज़ाइनर बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, क्या करेंगे झोला बनाने के लिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो हमने एक बेकार सी टी शर्ट ले रखी है, तो ये हमारी फ्रंट्स हमारा खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके फ्रंट को बंद कर लेते हैं, फ्रंट को हम बंद कर लेते हैं। जो हमारा बैक फ्रंट साइड खुला है इसमें पूरे में सिलाई मार लेते हैं, पहले हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिलाई मारते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही जो हमारा फ्रंट खुला हुआ है इसमें हम सीधी एक सिलाई मार देते हैं, फिर हम आगे का कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट में सिलाई मार ली है, ये हमने सिलाई मार ली है, और बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसको कट कर देते हैं ताकि हमें स्टिच करने में दिक्कत ना करे। फिर हम इसको क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको झोला बनाने के लिए, एक पॉली बैग अच्छे से बनाने के लिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले इसको हमने फोल्ड कर लिया है, हमने एक तरफ से तो स्टिच कर लिया है इसको। हम इसकी ज़्यादा बड़ी लंबाई नहीं रखेंगे, हम इसकी लंबाई रखेंगे 15 यानी हमें चाहिए इसकी लंबाई 14, तो हम इसको 16 पे करेंगे कंप्लीट कट, क्योंकि हम इसको स्टिच भी करेंगे। तो हमें 14 इसकी लंबाई चाहिए, तो आधा इंच हम नीचे से करेंगे, यानी 2 इंच हम ऊपर फोल्ड के नहीं छोड़ देते हैं। कर लिया है कट, अब हम इसको सीधा करके इसमें हम नीचे सिलाई मार देते हैं, नीचे हम सिलाई मार देते हैं इसकी, बाकी हम बाद में करेंगे। तो हमने इसके नीचे सिलाई मार दी है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको अब ऊपर से यहां से, ये हमारे ऊपर से तैयार है, ऊपर से भी हम इसको इतना इतना आधा आधा इंच तक हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसके तैयार करते हैं हत्थे, यानी इसकी बद्दी, जिससे हम इसको पकड़ पाएँ। उसके लिए हमने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा, हम इससे ही इसकी बद्दियाँ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड से इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है, अब हम इसकी लंबाई के हिसाब से इसकी स्टेप तैयार करेंगे। हम इसके रखेंगे स्टेप 16, तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसके स्टेप को कट कर लेते हैं। हम स्टेप की ऐसे करके चौड़ाई में ऐसा रखेंगे हम इसको 3.5 इंच, 3.5 इंच पे हम इसको कट कर देंगे। ऐसे में हमने लंबाई रखी है इसकी 16 और मोड़ने के लिए हमने रखनी है 3.5। इस पोजीशन में ही हम दोनों बद्दियाँ काट लेते हैं, फिर हम किसको कैसे फोल्ड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम इस तरीके से रख के हम स्टिच कर लेंगे इसमें सीधी सीधी तरीके से, ये हम डबल फोल्ड करके हम इसको स्टिच करके देखते हैं। तो ये हमारी स्टेप तैयार हो चुकी है, हमने इसकी स्टेप तैयार कर ली। तो स्टेप को हम इसको बाद में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हमें ज्वाइन करना है हम उस पर निशान लगा लेते हैं। हम इसका गेप लेंगे बीच में, पहले हम इसका बीच के सिरे पे निशान लगा देते हैं, फिर 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से निशान लगा देते हैं, फिर हम बद्दियों को बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले हम इसमें कुछ डिज़ाइन करते हैं,
ये काफ़ी हमारा प्लेन टाइप लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक ब्रश और ये स्केच वाला कलर। तो इसमें आपको जो भी ठीक लगे वो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसमें एक लोगो टाइप बनाता हूँ, ये हमने लिखा है। तो अब हम इसको स्केच की मदद से अब हम इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। इस पर हम वाटर वाले जो कलर होते हैं वो हम इस पर लगाते हैं, लगा के पूरे पे हम इसको अंदर से भी हम इसको इस तरह ही भर लेते हैं। उस तरीके से करके ही हम इसमें पूरे में भर लेते हैं। इसको भी हम वाइट कलर से और नीचे ये जो आउटलाइन है इसमें भी हम वाइट कलर भर लेते हैं। ये हम भरने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक नीचे को स्केल की मदद से इस टाइप से हम नीचे भी इसमें वाइट वाइट कलर का एक निशान टाइप बना लेंगे, जिससे थोड़ा और अच्छा सा बन जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बॉर्डर में जितना भी आपको ठीक लगे आप स्केल से करेंगे तो ये अच्छा सा हमारा एक अच्छा सा डिज़ाइन बन पाएगा। फिर इसी तरीके से हम नीचे को भी लगा देते हैं और हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया था उसमें हम इसकी बाजू को इसके स्टेप को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा झूला तैयार हो चुका है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसी कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखनी हो तो मुझे अभी तक जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको इसके तरीके की कोई भी वीडियो जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वो वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक करना नहीं भूलना एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।